से जगह ले चुके हैं फैसल। अंदर की तरफ चलते हुए शिबू भाई, हिंदुस्तान के मेंबर, बीच में रखा, ऊंचा मुड्डा दिया फैसल ने। पतंग को चला रहे हैं धीरे धीरे। अंदर की तरफ पतंग घूम रही है, बाहर की पतंग है शिबू की, और ताकत से फैसल बाहर की तरफ खींच रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। और ये देखिए, बढ़िया पेज बाहर खींच के फैसल ने शिबू को काट दिया। फैसल को ऊपर से काटने के लिए आया है सैफुल भाई। नीचे से फैसल अपना चौथा पे लड़ा रहे हैं। हिंदुस्तान के सैफुल ने मुड्ढा रखा, चक्कर लिया, अंदर की तरफ ताकत से खींच दिया है, बाहर की तरफ ताकत से खींचा फैसल ने और बढ़िया पेच काट दिया है। और बाहर की तरफ खींच के हिंदुस्तान के मेंबर सैफुल को काट के फैसल ने अपने चार पेच पूरे कर लिए।
ऊपर से लड़ा रहे हैं विकास की तरफ से ज़ुबैर और हिंदुस्तान की तरफ से नीचे से जिम्मी भाई। और देखिए गद्दा भर लिया है ज़ुबैर ने, अंदर की तरफ खींचा जिम्मी ताकत से, बढ़िया पेज ये काट दिया। नीचे से जिम्मी भाई हिंदुस्तान की ओर से अपना चौथा पेज लड़ा रहे हैं और ऊपर से विकास काइट क्लब के लिए आदिल भाई आए हैं काटने के लिए। थोड़ी भारी पतंग निकलता हूँ मुठा बनाए, देखिए ताकत से कितने यार बाहर की तरफ काकत से खींच दिया है जिम्मी भाई ने और बढ़िया पेज फिर से काट दिया। इसी पेज के साथ चार पेज हो गए हैं जिम्मी भाई के हिंदुस्तान काइट क्लब के लिए। भाई तुम पेड़ से एडजस्ट करेंगे, हम यहाँ आओ, ये मैदान देखो, हम कुछ बोल नहीं, इसका मतलब ये नहीं है यही से पटंगी लड़ती है, मैदान क्या नहीं, कोई स्टेडियम थोड़ी ना बनवाएंगे। अच्छा तुम दादा बात ना पाओ, वही जाओ नीचे से अपना पांचवा पे लड़ा रहे हैं जिम्मी भाई हिंदुस्तान के लिए। ऊपर से विकास काइट क्लब के मेंबर फैसल भाई आए हैं काटने के लिए, अंदर की तरफ जगह ले ली, काफ़ी तेज़ हाथों जगह ले रहे हैं और फैसल भाई भी अंदर की तरफ जा रहे हैं हाथ की तरफ। ऊपर से बड़ा पतंग है अब की बार जिम्मी भाई की, अंदर की तरफ खींच दिया, सीधा गद्दा मार दिया है फैसल ने और झटक दिया और बढ़िया पेज अब की बार जिम्मी भाई को काट दिया है फैसल ने। नीचे से फैसल अपना पांचवा पे लड़ा रहे हैं, ऊपर से सैफुल भाई काटने की कोशिश में आए हैं, बीचों बीच में मुड्डा रखा, रुके हुए हैं दोनों लोग, अंदर की तरफ फिर मुड्डा का मारता हुआ निकलता हुआ गड़ोता हुआ मार दिया सैफुल ने और फैसल भाई बाहर की तरफ खींच रहे थे और ये अपना पांचवा पेज कट गए। बढ़िया पेज ताकत से सैफुल भाई ने काट दिया। तो ऊपर से सैफुल भाई लड़ा रहे हैं, नीचे से फैसल भाई लड़ा रहे हैं। फैसल भाई विकास काइट क्लब के मेंबर हैं और सैफुल भाई हिंदुस्तान काइट क्लब के कैप्टन और मेंबर हैं। तो अंदर की तरफ धीरे धीरे रख रहे हैं सैफुल भाई, नीचे से तेज़ हाथों से जगह ले रहे हैं फैसल और बढ़ते जा रहे हैं पीछे की तरफ। तो सैफुल भाई की पतंग काफ़ी बढ़, धीरे धीरे मुड्डा रख रहे हैं, फैसल भाई पतंग को कम कर रहे हैं और टेढ़ा कराते कराते कम करते जा रहे हैं, जगह लेते जा रहे हैं, पतंगें दोनों नीचे आ चुकी हैं, देखना ये है क्या होता है। अंदर की तरफ ताकत से खींचा, जैसी फैसल ने मुड्ढा बनाया डोर चिपक गई, बढ़िया पेज, देखिए डोर फेंक दी, अभी काट काट नहीं हुई है और झटक रहे हैं फैसल, दौड़ रहे हैं तेज़ तेज़ और ये देखिए सैफुल भाई कट गए। बहुत बढ़िया धोखे वाला पेज काट दिया है, बहुत अच्छा पेज, तीसरा पेज काट के फैसल ने अपने तीन पेज पूरे कर लिए। नीचे से फैसल लड़ा रहे हैं विकास काइट क्लब के मेंबर और ऊपर से फूल आए हैं हिंदुस्तान काइट क्लब के मेंबर जो कि इस सीज़न में काफ़ी नहले काट चुके हैं। तो तेज़ हाथों से जगह ले रहे हैं फैसल और जल्दी जल्दी पीछे पीछे बढ़ते जा रहे हैं तेज़ कदमों से, देखने वाला पेज, अंदर की तरफ मुड्ढा रख रहे हैं, धीरे धीरे रख रहे हैं, पतंगों को कम करते जा रहे हैं, काफ़ी ऊँचा करके मुठ्ठा दे रहे हैं फैसल जिससे गद्दा मारे तो बाहर की तरफ खींचने में आसानी हो, पतंगें दोनों कम होती जा रही है तो छोड़ दिया, काफ़ी कम हो गई थी पतंगें, बीच में देखिए और पतंगें दिखने लग गई हैं जो लंबे होके जा रही हैं। पतंग जो है फूल की थोड़ी बाहर लग रही है हिंदुस्तान के मेंबर की, ऊपर से लड़ा रहे हैं, जब पतंग को नीचे रख रहे हैं तो देखिए पतंग अंदर की तरफ आ रही है, देखिए जैसे मुड्ढा रखते हैं तो पतंग सीधी नहीं उतरती, अंदर की तरफ आ रही है, नीचे से तेज़ हाथों से फिर से फैसल जगह ले रहे हैं और तेज़ कदमों से पीछे बढ़ते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ऊपर फूल अपनी पतंग को चला रहे हैं हिंदुस्तान के मेंबर, नीचे करते जा रहे हैं, पतंग चलाते जा रहे हैं, अंदर की तरफ मुड्ढा दिखाया, रोका, अंदर की तरफ ताकत से खींच दिया है फैसल ने, फिर झटका और अब की बार फूल ने भी तेज़ तेज़ हाथों से झटक दिया, हल्की सी डोर फेंक के भागते भागते फैसल झटकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फूल भाई ने भी झटकते हुए गद्दा मारा और बढ़िया पेज फैसल को काट दिया। ये बबलू भाई की पतंगे हैं, कम से कम 15-20 साल 15-20 साल पुरानी पतंगे हैं, देखिए बढ़िया पतंगे बबलू भाई की। भैया भाई इन पतंगों को देख रहे हैं, तैयार करने जा रहे हैं अपने लड़ाने के लिए हिंदुस्तान काइट क्लब के खिलाफ।
ये देखिए बढ़िया बढ़िया पतंगे हमें बब्बल भाई दिखा रहे हैं, सलमान भाई की कोलकाता की। ये देखिए कोलकाता की एक और पतंग दिखाई इन्होंने, बढ़िया। ये देखिए सब कोलकाता की पतंग, किसी के पास नहीं होगी। ये देखिए बिलाल की पतंग, बहुत अच्छी पतंग होती है, बहुत ही अच्छी। भैया भाई बता रहे गजब की पतंगे हैं बिलाल की, बहुत अच्छी पतंग होती है। कौड़ियों का वर्क भी है, आप देख सकते हैं हल्की शाइन आ रही है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा इधर, ये देखिए आप शाइन आ रही है, बढ़िया वर्क, बढ़िया पतंग। ये देखो सलमान की पतंग, ये देखिए सलमान भाई की पतंग, बढ़िया पतंग। ऊपर से भैया भाई लड़ा रहे हैं विकास के मेंबर, नीचे से फूल अपना दूसरा पे लड़ा रहे हैं। अभी एक पेज इन्होंने फैसल को काटा था, बहुत बढ़िया फूल ने। अंदर की तरफ भारी पतंग रखते हुए भैया भाई ताकत से बाहर झटकते हुए ले जा रहे हैं पतंग को, और पेज हटा लिए गए। तो भैया भाई भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, देखने वाला पेज अपनी भारी पतंग से कैसे फूल को काटते हैं, क्योंकि फूल ज़्यादातर खींच के लड़ाते हैं और बहुत कम ही झटक के या कोई दूसरा पेज टेक्निकल लड़ाते हैं। देखने वाला पेज होने लगा, देखिए धीरे हाथों से रखा भैया भाई ने अपनी भारी पतंग को, फूल अंदर की तरफ जगह ले रहे हैं, धीरे धीरे रख रहे हैं, कम करते जा रहे हैं भैया भाई अपनी पतंग को, क्योंकि भारी पतंग है, आदमी भारी पतंग को थोड़ा सा कम करके ही रखता है। फूल टेढ़ा कराए हुए हैं, देखते हैं क्या करेंगे। देखिए भैया भाई ने पतंग को फिर से रखा, फूल ने कंठी पट मारा, और देखिए झटक रहे हैं, झटक रहे हैं, डोर फेंकी, और भैया भाई उसी मुड्ढे को रोक के चुस्कियाँ मार रहे हैं। डोर फेंकी गई है लेकिन कट चुकी है फूल की पतंग, बहुत बढ़िया पेज भैया भाई ने भारी पतंग से काट दिया। तो ऊपर से सैफुल लड़ा रहे हैं गद्दा मारा, नीचे सिम्मी भाई झटकते रहे, झटक रहे हैं, बहुत बढ़िया झटक रहे हैं। और देखिए हवा कम थी तो झटकने वाला पेज नहीं काम आया, सैफुल ने गद्दा मार के सिम्मी भाई को बढ़िया पेज काट दिया। और देखिए दूर पे लाल जैकेट में ये खड़े हुए हाथ हिला रहे हैं, ये हिंदुस्तान के ही मेम्बर हैं निहाल भाई, लेकिन ये लड़ा नहीं रहे, काम से आए थे। और देखिए हाथ हिला रहे, काफ़ी दूर पे खड़े हैं बच्चे दिख रहे हैं कुछ आपको, ये सिमी भाई अपनी डोर खींच रहे हैं, इन्हीं के सीट में देखिए आप निहाल भाई दिख रहे हैं, बहुत दूर पे खड़े हैं। नीचे से सैफुल लड़ा रहे हैं सिमी भाई को काट के अपना दूसरा पेज, ऊपर से भैया भाई अपनी भारी पतंग फिर से लेके गए हैं, काट के अपने मेम्बरों को चांस दे रहे हैं। तो देखते हैं अब की बार भैया भाई कैसे लड़ाते हैं सैफुल से। देखिए मुड्ढा रखा निकलता हुआ, बाहर ताकत से खींच दिया सैफुल ने, खींचते जा रहे हैं, और अब की बार भैया भाई डोर पर लिए हुए थे कि चिपक जाएंगे, लेकिन डोर मिली नहीं थी, और सैफुल भाई ने पूरा बाहर खींच के भैया भाई को बढ़िया पेज काट दिया। तो नीचे से सैफुल भाई, ऊपर से बब्बल भाई लड़ा रहे हैं, सैफुल भाई अपना दूसरा पे लड़ा रहे हैं, और देखिए निकलता हुआ गद्दा मारा, हवा टेढ़ी थी, झोल चिपक गया, सैफुल भाई मुड्ढा ही नहीं बना पाए, काफ़ी झोल था बब्बल भाई की पतंग में, गद्दा भरा ही और सैफुल भाई ऊंचा कर रहे थे, कट गए। अबे भैया हम कोनी हवा में कहां से लड़ा रहे थे यार, फर्दी कुड़कुड़ कर रहे हो, अबे इधर पड़े यार, इधर आए। ऊपर से लड़ा रहे हैं हिंदुस्तान के राजा, और नीचे से बब्बल भाई,
जगह ले ली। अंदर तब राजा ने खींचा, रोक रहे, निकलता हुआ गद्दा बनाया, रोका, निकलता हुआ गद्दा ताकत बनाया। बब्बल भाई ने बाहर ताकत से खींचा, झटक रहे हैं राजा पतंग को, लेकिन कट गए। बब्बल भाई की पतंग कुछ खराब लग रही, बाहर की तरफ खींची और घूम के अंदर ही आ गए। हिंदुस्तान काइट क्लब के कैप्टन हैं शाह आलम भाई। तो शाह आलम भाई, आप एक नंबर प्रोवाइड कर दीजिए जिससे लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर सके, लोकल गेम या परदेसी गेम हो तो आपसे तय कर सके। अपना नंबर बोल दीजिए। 9169553222। तो ये नंबर मैंने डिस्प्ले कर दिया, आप इस नंबर पे कॉल करके शाह आलम भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे परदेसी गेम या लोकल गेम हिंदुस्तान काइट क्लब, जो कि इस सीजन का सबसे ज्यादा नौ काटने वाला क्लब है, उससे गेम तय कर सकते हैं। ऊपर से आमी लड़ा रहे हैं, नीचे से सैफुल अपना तीसरा पेज, देखते हैं अब की बार क्या होता है। अंदर की तरफ आमी ने रखा बीचों बीच में पतंग, निकलता हुआ बनाया, सैफुल ने फिर बाहर का खींचा, रोका, थोड़ा सा खड़ा खींच रहे हैं, रोका, आमी ने सीधा मुड्ढा दिखाया, चक्कर पे लिए कंठी, बट सैफुल ने ताकत से मारा, निकलता हुआ मुड्ढा आमी ने मारा है, दोनों लोग खींच रहे हैं और बढ़िया पेज सैफुल ने काट दिया, बहुत बढ़िया पेज हो गया ताकत का। ऊपर से आदिल भाई लड़ा रहे हैं, नीचे से सैफुल भाई जगह लेते हुए, जगह लेके तेज़ हाथों से आ रहे हैं सैफुल भाई, नीचे से हिंदुस्तान के मेंबर और ऊपर से आदिल भाई विकास काइट क्लब के मेंबर, भारी पतंग को लिए हुए हैं, देखते हैं क्या करते हैं पेज पे। टेढ़ा करा रहे हैं सैफुल भाई, पेज हो रहा है गर्दन पे से, बीच में नहीं जा रहे हैं, गर्दन की ओर रखे हुए हैं आदिल के मेंबर, काफ़ी नीचे पेज, सैफुल ने ताकत से बाहर खींचा, खींचे जा रहे हैं और छोड़ दिया और डोर लग गई। ये देखिए बढ़िया पेज हो गया, पेज छोड़ा लेकिन डोर मिल चुकी थी और वो डोर जैसे ही चक्कर पे ली टूट, और बढ़िया पेज आदिल भाई ने सैफुल को काट दिया। और ये है हिंदुस्तान काइट क्लब लखनऊ का, जो कि इस सीज़न का सबसे ज़्यादा नौ काटने वाला क्लब है। ऊपर से लड़ा रहे हैं हिंदुस्तान के मेंबर राजा और नीचे से फैसल भाई चांस लेके गए हैं विकास काइट क्लब के मेंबर। पेज काफ़ी रेंज में हो रहा है, 300-400 की रेंज में, क्योंकि हवा कम है उस हिसाब से काफ़ी रेंज हो गई है। देखना ये पेज कौन काटता है। टेढ़ा करा के ऊंचा मुड्ढा दिया फैसल ने, निकलता हुआ ताकत से राजा ने खींचा और झटकने लग गए। अंदर की तरफ खींचा फैसल ने और ये झटक काम नहीं आई राजा भाई की और ये अपना पेज कट गया। बढ़िया पेज फैसल ने झटकते हुए पतंग को अंदर की तरफ खींच के काट दिया। पतंग में रील लग गई, रील लग के फट गई, शादाब कुरैशी की पतंग थी। और ये देखिए शादाब कुरैशी जी की पतंग और सिम्मी भाई की जवानी की फोटो लग रही है ये। हम नहीं, अभी ज्यादा पुरानी फोटो नहीं है। तो सिम्मी भाई की देखिए फोटो लगी है, शादाब कुरैशी जी की पतंग और रील लग गई इन्हीं के मेंबर की, पतंग देखिए फट गई, बढ़िया पतंग थी, उठा के ला रहे हैं सिम्मी भाई। ऊपर से जिम्मी भाई, नीचे से फैसल लड़ा रहे हैं विकास के मेंबर, पेज काफी रेंज में, देखते हैं कौन ये पेज काटता है। फैसल नीचे से जगह लेते हुए आ रहे हैं, जिम्मी भाई अपनी पतंग को धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ कर रहे हैं, फैसल तेज़ हाथों से जगह लेते आ रहे हैं और एक एक कदम पीछे बढ़ते जा रहे हैं। हवा जो है हिंदुस्तान काइट क्लब की ओर दबी हुई है, फेवर में है विकास काइट क्लब के मेंबरों के, लेकिन देखते हैं कौन कैसा लड़ाता है। नीचे मुड्ढा रखा जिम्मी भाई ने अंदर की तरफ, फैसल ने नीचे टेढ़ा करा के जगह ले रखी है, चक्करों पे लिए हुए हैं, बाहर की तरफ ताकत से खींच दिया, अंदर की तरफ गिद्दा मारा है, जिम्मी भाई ने पूरी पतंग को अपना खोज दिया और ये देखिए फैसल की पतंग कट गई है। देखना यह है कि जिम्मी भाई की पतंग इस पेड़ों से उठ के आती है कि नहीं। और एक दो तीन सेकेंड हो चुके हैं और जिम्मी भाई ने अपनी पतंग खोज दी, लेकिन ये पेज काट दिया। नीचे से लड़ा रहे हैं बब्बल भाई, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, विकास काइट के मेंबर हैं, और ऊपर से लड़ा रहे हैं फूल, हिंदुस्तान काइट क्लब के मेंबर, देखते हैं अब की बार क्या पेज होता है। निकलता हुआ बना लिया फूल ने, रोका और देखिए अंदर की तरफ सिर्फ झटक दिया तेज़ हाथों से, और फूल ने डोर मिला ली थी एकदम करीब ले जाके मुड्ढा रोका था, तो पेज कट गए फूल ये अपना, बढ़िया पेज बब्बल भाई ने काट दिया। ऊपर से लड़ा रहे हैं हिंदुस्तान के मज़ार और नीचे से लड़ा रहे हैं बब्बल भाई अपना तीसरा पेज।
तो देखते हैं कौन काटता है, विकास काइट क्लब के मेंबर या फिर हिंदुस्तान काइट क्लब के मेंबर। नीचे से बब्बल भाई जगह लेते हुए काफ़ी तेज पतंग को चला रहे हैं, निकलता हुआ मुठ्ठा मजर ने बनाया है, ताकत से मनाते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे, रुक नहीं रहे बिल्कुल। और ये देखिए डोर चिपक गई, बब्बल भाई काफ़ी पीछे पड़ रहे थे, पतंग को चलाते रहे मुड्ढा देख के, शेयर स्लिप कराना चाहते थे लेकिन निकलता हुआ मुड्ढा था थोड़ा सा मज़र का, और ये पेज मज़र ने काट दिया बब्बल भाई को। नीचे से शिबू अपना दूसरा पिल लड़ा रहे हैं, एक पेज बहुत बढ़िया इन्होंने काटा है, पतंग चलाई हरी ओम, ऊपर से गद्दा मार रहे हैं, निकलता हुआ मारते जा रहे हैं, शिबू ने रोका, बाहर ताकत से खींच दिया है, और ये देखिए बढ़िया पेज शिबू ने अंदर की तरफ मुड्ढा दिखा फिर बाहरी की तरफ ताकत से खींच के काट दिया। नीचे से शिबू अपना तीसरा पिल लड़ाते हुए, ऊपर से विकास काइट क्लब के कैप्टन विकास भाई आए हैं और ऊपर से धीरे धीरे अपनी पतंग को रख रहे हैं, काफ़ी बढ़ दिए हुए हैं, शिबू अपनी पतंग को चला रहे हैं, काफ़ी तेज़ चला रहे हैं, देखिए ऊंचा करने लग गए, ऊंचा करने लगा शिबू ने, खींच के रोका, चक्कर भी लिया, ताकत से बाहर की तरफ खींच रहे हैं विकास के मेंबर, अंदर की तरफ ताकत से खींच दिया शिबू ने और बढ़िया पेज विकास को काट दिया। इसी पेज के साथ शिबू के तीन पेज पूरे हो गए। हिंदुस्तान काइट क्लब के मेंबर शिबू नीचे से अपना चौथा पेज लड़ा रहे हैं कंटिन्यू, तीन बढ़िया पेज काट चुके हैं, ऊपर से विकास के मेंबर फैसल आए हैं और देखिए खींच रहे हैं अंदर की तरफ, खींच के झटकने लगे तेज तेज और रोके हुए थे फैसल, और रोके रोके ही पेज कट गए, बहुत जल्दी ताबड़तोड़ पेज लड़ा लिया शिबू ने, मौका नहीं दिया फैसल को, क्योंकि फैसल भी खींच के लड़ाते हैं, खींचने का मौका नहीं दिया, अंदर की तरफ खींचा और फिर झटक दिया, बढ़िया पेज काट दिया। नीचे से अपना पांचवा पे लड़ाते हुए शिबू, भारी पतंग है, दो को झटक चुके हैं, तीन को खींच चुके हैं, अंदर की तरफ देखिए फिर से खींच रहे हैं ताकत से, विकास के मेंबर डोल लगाए हुए, और ये देखिए जो झोल था अंदर की तरफ ही खींच के बढ़िया झोल शिबू ने काट दिया, क्योंकि हवा कम है, डोर टाइट हो नहीं रही है, और अंदर खींच खींच के बढ़िया पेज शिबू काटे दे रहे हैं। इसी पेज के साथ शिबू ने अपने पाँच पेज पूरे कर लिए। तो छठा पे लड़ाने आए हैं सिमी भाई, एक्सपीरियंस प्लेयर है, और मैं बता दूं पतंग लंबे करके जा रहे थे तो मैंने देखा है नौशाद कुरैशी जी की पतंग उड़ा रहे हैं, बढ़िया महंगी पतंग है, देखना ये है कि कैसे लड़ाते हैं। और नीचे से शिबू बढ़िया पांच पेज काट चुके हैं, दो तीन के झोल काट चुके हैं, तो देखने वाला पेज है, सिमी भाई भी टेक्निकल लड़ा देते हैं कभी कभी, और शिबू ताकत से लड़ा रहे हैं, देखते हैं अब की बार क्या होता है। शिबू ने जगह ले ली, गर्दन की तरफ रखा, शिबू ने ताकत से बाहर खींचा, सीधा गद्दा मार दिया सिमी भाई ने घेर के गर्दन पे, बढ़िया पेज काट दिया सिमी भाई ने, छह पेज पूरे नहीं होने दिए शिबू हिंदुस्तान काइट क्लब के मेंबर के। तो पतंग राउंड चेक हो रहा है, आदिल भाई तीन काट चुके हैं, जिम्मी भाई ने खींचने के लिए कहा है, तो देखते हैं इस राउंड चेक में क्या रिजल्ट निकलता है। पतंग को नीचे करा और चक्कर ली, और देखिए सीधी पतंग खींच रहे ताकत से, पतंग बाहर की तरफ जा रही है, राउंड हो रही है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ पतंग राउंड है, देखते हैं क्या डिसीजन होता है, क्योंकि तीन पेज हो चुके हैं, अगर चार लड़ गए तो फिर ये पूरी पतंग लड़ेगी, चाहे राउंड हो चाहे गोला हो। जुबैर ने खींची, थोड़ी सी बाहर की तरफ जा रही थी, क्या कहना है आपका इस पे? क्योंकि आप ही ने आवाज मारी है कि पतंग राउंड होने वाली होती तो वो धीरे हाथ से खींचने लगते हैं। अच्छा, धीरे हाथ से खींचने, चलिए देखिए, ज्यादा राउंड है, ज्यादा राउंड है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो देखिए इनके मेंबर दौड़ के गए हैं मजर, और ये देखिए दौड़ते हुए जा रहे हैं पतंग खींचने के लिए, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब ये पतंग खींचेंगे हम लोग, फिर से पतंग को कैप्चर करते हैं कि पतंग सच में राउंड है बाहर की कि नहीं। मजर पहुंच गए हैं, अब की बारी खींचेंगे, तो देखते हैं पतंग किधर की जाती है। तो ये बिल्डिंग पे देख सकते हैं ये पतंग है, मज़र पहुंच गए हैं, मज़र अपने हाथ में पतंग को लिए हुए हैं, खींच रहे हैं,
पतंग को चला रहे हैं बढ़िया, और ये पतंग ताकत से खींची, और ये देखिए पतंग बाहर की तरफ राउंड हो रही, रुक गए मज़र। तो पतंग है बाहर की, लेकिन देखते हैं क्या डिसीजन आता है। मज़र भाई कैसी पतंग लड़ेगी? लड़ेगी। तो मज़र भाई कह रहे हैं पतंग ये लड़ेगी, थोड़ी सी बाहर की है लेकिन लड़ेगी। तो फूल भाई देखिए पहुंच गए हैं क्रीज पे पतंग लड़ाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये पतंग जो चौथा पे लड़ाएगी, जो कि आदिल भाई नीचे से लड़ा रहा है, उसको फूल भाई हिंदुस्तान काइट क्लब के मेंबर कैसे काटेंगे। पेच काफ़ी रेंज में, नीचे से आदिल जो पतंग ग्राउंड पे शक हो रहा था उसी पतंग को लड़ाया जा रहा है। अब ये चौथा पेज है, अब चाहे इसके बाद पतंग और ज़्यादा गोला हो जाए लेकिन हटवाई नहीं जाएगी। ऊपर से फूल हिंदुस्तान के मेंबर आए हैं काटने की पूरी कोशिश, ऊँचा मुड्ढा दिया फूल ने, मिलाया ताकत से बाहर की तरफ खींच दिया है, रोके हुए हैं आदिल भाई, और देखिए रोके रोके ही कट गए। अब की बार कुछ चाल फेर नहीं करी, नीचे से फूल अपना तीसरा पे लड़ा रहे हैं। दो बढ़िया पेज काट चुके, तेज हाथों से जगह ले ली, ऊपर से विकास काइट क्लब के मेंबर गद्दा मारते हुए निकलता हुआ बनाया, फूल ने रोका बाहर दिखाया, अंदर की तरफ खींच के झटक रहे हैं तेज तेज हाथों से। बढ़िया पेज जैसे ही ऊंचा करने की कोशिश करी विकास काइट क्लब के मेंबर ने, कट गई है। नीचे से फूल अपना चौथा पे लड़ा रहे हैं, ऊपर से काटने के लिए आए हैं फैसल विकास काइट क्लब के मेंबर। टेढ़ा करा के जगह ली नीचे से फूल ने, पतंगे अच्छी खासी रेंज में लड़ रही है, मौसम साफ है। फैसल ने अंदर की तरफ जगह ली, मुद्दा बाहर का बनाया, अंदर की तरफ फूल तेज हाथों से खींच रहा, झटकने लग गए हैं फूल, ताकत से झटक रहे, ताकत से झटक रहे, काट काट नहीं हो रही, झटक रहे ताकत से। ओ बढ़िया, झटकते हुए फैसल ने ताकत भरी हुई थी निकलते मुड्ढे पे, लेकिन झटकते हुए फूल ने बढ़िया पेज काट दिया। नीचे से फूल अपना पाँचवा पेज लड़ाते हुए जगह ले ली है विकास काइट क्लब के मेंबर ने, और ऊपर से अब की बार काटने के लिए एक्सपीरियंस प्लेयर आए हैं बब्बल भाई, क्योंकि चार पांच पेज मायने रखते हैं किसी भी मेंबर के पतंग हाथ पे सेट होने के लिए। तो ज़्यादा ना काट पाए फूल, इससे ज़्यादा ना बढ़ पाए, इसलिए बब्बल भाई आए हैं। तो देखना है कि कैसे काटेंगे अब की बार याला पेज, काफ़ी रेंज में पेज हो रहा है। बब्बल भाई हाथ की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा रुके, बीचों बीच में मुड्ढा रखा है, फूल ने बाहर की तरफ कंठी खींचा, रोका, अंदर की तरफ खींच, देखिए फूल झटक रहे तेज़ तेज़, और बब्बल ने डबल करी उसी मुड्ढे को बढ़िया तेज़ हाथों से, और अच्छा पेज बब्बल ने फूल को पांचवा काट दिया। पतंग के बीच में गन्ने का मजा लिया जा रहा है। ये कहां से गन्ना ले आए फूल भाई? ये हमारे भाई गन्ना लेके आएंगे, भाई लेके आए, और देखिए भाई से मिलवा देते हैं, भाई कोई आम आदमी नहीं लखनऊ में, कौन है, अब हम आपको इनसे मिलवा देते हैं। तो हिंदुस्तान काइट क्लब के वाइस कैप्टन इंट्रोड्यूस कराएंगे हमें हिंदुस्तान काइट क्लब के मेंबर से, मोहसिन भाई से। तो सैफुल भाई कुछ बताइए मोहसिन भाई के बारे में। मोहसिन भाई की हमारी रस्सी बटान में दुकान है जी, और ये पतंग भी बनाते हैं हल्की और भारी। अच्छा, पूरे शहर लखनऊ में इनसे ज्यादा कलरफुल पतंगे कोई नहीं बनाता है। अच्छा ऐसा है? हाँ, ये और ज्यादातर ये डुग्गे जो शहर में सालाना डुग्गे मौलवीगंज में बहुत सारे लड़ते हैं जी जी, तो रंगीन डुग्गे आप ही देते हैं। अच्छा, यही देते मोहसिन भाई देते हैं। मोहसिन भाई, तो ये मोहसिन भाई खुद मतलब किसी और दुकानों पे तो अपनी पतंग को बेचते हैं कि नहीं भेजते? इनकी दुकान से ही जो लेके जाते हैं, इनके जो शौकीन वो बस लेके जाते हैं। तो मतलब इनका नंबर हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि हम उन कारीगरों का नंबर इंट्रोड्यूस नहीं कराते जिनकी पतंगें दुकान पे भी जाती, क्योंकि उससे दुकानदारी लोगों की खराब होती है। ये खुद अपनी दुकान से ही सेल करते हैं, शौकीन आदमी इनको ऑर्डर देते हैं। अच्छा, लड़ाने वाले दुकानदार को पौना और अधि दोनों चीजें बनाते हैं। तो मोहसिन भाई आप अपना एक बार नंबर बता दीजिए, सैफुल भाई ने जैसा इंट्रोड्यूस कराया तो हो सकता है वीडियो देख के आपको कोई कॉल करना चाहे तो आप ऐसा ऐसी रंगीन पतंग। तो ये देखिए डेम्बो पतंग भी दिखा दी सैफुल मैंने, कितनी गजब की पटेदार तोखा, तोख में पीला रंग भी जुड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया पतंग, बढ़िया ठड्डा लगा है, बढ़िया काब, और गोल फरमे की पतंग है। तो मोहसिन भाई अपना नंबर बता दीजिए जिससे आपको कोई कॉन्टेक्ट कर सके और अधी पौने का कोई ऑर्डर हो तो आपको दे सके। 88 96 72 77 25। तो देखिए ये नंबर मैंने डिस्प्ले कर दिया है, आप इस नंबर पे कॉल करके, बढ़िया पतंग के कारीगर हैं मोहसिन भाई जो कि डुग्गा उग्गा के लिए काफी फेमस है लखनऊ में,
तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप इनसे डुग्गा फैंसी पतंगे बनवा सकते हैं। रेट के बारे में आप इनसे डायरेक्टली कॉल कर लेंगे। ऊपर से पब्बल भाई काट के दे रहे हैं अपने मेंबरों को। विकास भाई ने अभी नीचे से लड़ाया, एक पेज कट गए। हिंदुस्तान काइट क्लब के मेंबर शाह आलम भाई नीचे से लड़ाने के लिए आए हैं। देखते हैं कौन काटता है। काफ़ी बढ़ दे के लड़ा रहे हैं शाह आलम। ऊपर से बब्बल भाई गर्दन के पास ले गए अपनी पतंग को, चला रहे हैं दोनों लोग। थोड़ा आए बीच की ओर, ऊंचा मुड्ढा करा शाह आलम भाई ने, और ऊंचा मुड्ढा करा और झटकने लगे तेज तेज। जैसे ही बब्बल ने निकलता हुआ बाहर को मिलाया, तुरंत कट गए, करंट सा लग गया। बढ़िया पे शाह आलम भाई ने काटा। और देखिए पीछे आवाज़ें आने लगी, क्योंकि लोकल मैच है इसलिए थोड़ी बहुत तफरीबाजी होती रहती है। ये देखिए जिम्मी भाई कुछ कह रहे हैं। कौन दे रहा माल इनको? ये देखो पूछ रहे हैं कौन दे रहा है इनको माल, कौन माल दे रहा है पूछ रहे हैं। बहुत हंसी मजाक हो रहा है। और देखिए गन्ना वन्ना खाया जा रहा है, बढ़िया मैच हो रहा है, लोकल मैच चल रहा है ये, तफरीबाजी आपसी टीम। ये देखिए बढ़िया मैच। नीचे से लड़ा रहे हैं सैफुल अपना दूसरा पेज। विकास क्लाइट क्लब के मेंबर डबल करने की कोशिश। और देखिए पतंग कट गई, पट की तरफ खींचा, डोर फेंकी थी हल्की सी और जो डोर थी वो कट गई। बढ़िया पेज, सैफुल ने दूसरा अपना काट दिया। और नीचे से सैफुल अपना तीसरा पर लड़ा रहे हैं। ऊपर से फैसल कंठी पर, सैफुल ने ताकत से मारा, फैसल ने निकलता हुआ गद्दा ताकत से मारा, दोनों लोग खींच रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। और देखिए जैसे ही सैफुल रुके हैं फैसल ने ये पेज काट दिया। ऊपर से लड़ा रहे हैं फैसल और नीचे से लड़ा रहे हैं फूल, जगह ले ली है, टेढ़ा करा लिया अंदर की तरफ। चा फूल ने और निकलता हुआ गद्दा फैसल ने मारा, बढ़िया पेज फैसल ने काट दिया। नीचे से विकास क्लाइट क्लब के मेंबर जुबैर लड़ा रहे हैं और ऊपर से लड़ा रहे हैं हिंदुस्तान क्लाइट क्लब के मेंबर राजा। तो देखते हैं आपकी बार ये पेज कौन काटता है। ऊँचा मुड्ढा दिया जुबैर ने, पतंग को चला रहे हैं। राजा ने भी पतंग को मिला के रखा, सीधा गद्दा मार दिया है, पतंग को चला रहे हैं जुबैर। पट की तरफ जुबैर ने खींचा लेकिन जुबैर की पतंग कट गई, क्योंकि राजा भी गद्दा मारने के बाद ऊपर से झटक रहे थे। बढ़िया पेज हो गया राजा और जुबैर के बीच में ये। ऊपर से आमिर लड़ा रहे हैं विकास काइट क्लब के मेंबर, नीचे से राजा पहुंचे हैं हिंदुस्तान के मेंबर। जुबैर को एक पेज अभी ऊपर से काटा, देखते हैं अब कौन लड़ता है। खड़ा मुड्ढा ले लिया राजा ने, हवा कम है, डबल होती हुई पतंग गई आमिर की और आमिर अब की बार ये पेज कट गए। दो पेज हो गए हैं इसी पेज के साथ राजा के।
ऊपर से लड़ा रहे हैं मौर्या विकास काइट क्लब के मेंबर, और राजा नीचे से अपना तीसरा पे लड़ा रहे हैं। देखते हैं तीन पेज मौर्या भाई को काट के पूरे कर पाते हैं कि नहीं। राजा ने फिर से जल्दी से खड़ा मुंडा ले लिया, ताकत से खींचते जा रहे हैं, बाहर की तरफ खींचा है मौर्या ने, खींच रहे हैं और बढ़िया पे राजा ने फिर से काट दिया। हवा कम है, कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं, बस ताकत भर रहे हैं और खड़ा मुंडा खींचते हुए पेज को लड़ा रहे हैं। तीन पेज काट दिए हैं राजा ने। राजा नीचे से अपना चौथा पे लड़ा रहे हैं, ऊपर से काटने के लिए आए हैं विकास काइट क्लब के मेंबर, तो देखते हैं अब की बार कौन काटता है। जगह ले ली है नीचे से राजा ने, ताकत से खड़ा खींच के पेज लड़ा रहे हैं। तीन पेज काट चुके हैं, तो देखिए निकलता हुआ मुड्ढा बनाया विकास काइट क्लब के मेंबर ने। राजा ने फिर से लिया, खड़ा खींचा, झटकने की कोशिश की थी अब की बार, लेकिन ताकत से गद्दा मार के विकास काइट क्लब के मेंबर ने राजा को चौथा पेज बढ़िया काट दिया। हाय है विकास काइट क्लब के पास कुछ कहने के लिए दद्दा भाई से। बढ़िया फ्रेंडली मैच हुआ हंसी मजाक के साथ। सिमी भाई भी पैकिंग पूरी कर चुके हैं, देखिए हाय कह रहे हैं, सामान अमान सब पैक। और दद्दा भाई से शालम भाई कुछ कह रहे हैं, ये देखिए। तो क्या कह रहे हैं शालम भाई दद्दा भाई से, आप बोलिए। हमारे दद्दा चाय में आए और खुशी में सबको जब्बार भाई के होटल पे चाय पिलाएंगे। हाँ, तो लोकल वेज में अगर कोई तीन पेज लगातार कट जाता है तो उसको चाय पिलानी होती है, तो दद्दा भाई आज सबको चाय पिलाएंगे। देखिए गोदी में लिए हुए, मैं थोड़ा पीछे करके दिखा दूँ, ये देखिए, देखा आपने। और दद्दा भाई को अपने क्लब की ओर ले जा रहे हैं। दद्दा भाई को अपने साथ ले जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि चाय ना पिलाए ये कहीं भाग जाए, इसलिए हिंदुस्तान के मेंबर दद्दा भाई को उठा के अपने क्लब की ओर ले जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान काइट क्लब में ले आए कि जब तक चाय नहीं पिलाएंगे इनको जाने नहीं देंगे। आपको मुबारक हो, आपको कैसा लग रहा है चाय में? बढ़िया हंसी मजाक हो रहा है, कैसा लग रहा है चाय में? और देखिए दद्दा मुंह चुभा रहे हैं। कैसा लग रहा है चाय में आके? देखिए जवाब नहीं दे रहे। बढ़िया हंसी मजाक के साथ आज का गेम हुआ है। ये हिंदुस्तान क्लब के पुराने मेंबर थे और हिंदुस्तान क्लब में आज ये खिलाफ लड़ा रहे थे और चाय में आए हैं। और आलम भाई इनको उठा लाए, जब तक चाय नहीं पिलाएंगे जाने नहीं देंगे। इनको जाने नहीं दिया जाएगा। ये निशान भाई एक रस्म होती है जी, दूल्हा को साड़ी से उतार के गोद में लेके और मंडप तक ले जाया। अच्छा, ये मंडप तक आया, होटल के मंडप में ले आए, तो इनको मंडप तक ले आया, अब ये चाय पिलाएंगे। जब्बार भाई का होटल, जब्बार भाई के होटल में चलो। लोकल मैच था, गेम एंड हो गया, हवा बंद हो गई है, अभी टाइम तो बचा है, उजाला था थोड़ा बहुत, लेकिन कोई जीता नहीं, क्योंकि लोकल मैच में जब तक नौ नहीं काटता है कोई नहीं जीतता। तो दोनों टीमें अपना सामान पैक करती हुई, बढ़िया गेम हुआ आज का, हंसी मजाक तफरीबाजी में कुछ अच्छे पेज भी हुए, तो कोई मैच नहीं जीता ये आज के गेम का।